Dubai, Saudi. बार में भेजेगा या नेट पे
माल में कुछ साफ है, माल साफ कर रहा है। इसको हम लोग ले आते फिशरी से ना, फिशरी से लाने के बाद इसको यहाँ पर छिलके वगैरह फेंकते हैं, फेंकने के बाद इसको काट पीट के इसको सफाई करके फिर इसको हम लोग सुखा देते कील पे। सुखाने के बाद इसको किलो के हिसाब से वो करते पैकिंग करते हैं, पैकिंग करने के बाद इसको हम सऊदीया दुबई बांग्लादेश श्रीलंका में फिर हम इसको वो करते थे बेच देते हैं। 5 टन हो गया, 10 टन हो गया, 60 टन हो गया, जितना माल तैयार होता है इतना हम भी इसको बेच देते हैं कंटेनर में। ये हर एक माल अलग अलग होता है, जिस दो एक चीन है, इसके बाद सूरी है, मुश्का है, वाइट पॉपलेट है, बाम, ये जो क्वालिटी अलग अलग होता है फिर हिसाब से हम इसको दे रहे थे। अच्छा, ये जो आजकल आप देख रहे हो जो ना, बहुत सारी यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं जो मच्छी सुखाते हैं ना, उसको काटते हैं, उसको जो ना काटने के बाद उसको धोते हैं, साफ़ करके जो ना ये मछली सुखाते हैं। और ये मछली जो ना हमारे जो पूरे मुल्कों में जाती है, ये श्रीलंका जाती है, दुबई जाती है, और मेरे ख्याल बहुत सारे ऐसे मुल्क इसको जो पसंद करते हैं। ये ऐसी खुराक है, हम हुकूमत से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि इनको सही तरह फैसिलिटी दी जाए, इनको सही तरह कर्जे दिए जाएँ, तो ये हमारा जो ना एक्सपोर्ट का काम जो ना दूसरे मुल्कों में भी चल सके। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके।